बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो क्या दिया है, ए वेरिएबल प्लेन विच रिमेंट एट कांस्टेंट डिस्टेंस पी फ्रॉम द ओरिजिन। इस बार क्या वो प्लेन क्या कर रहा है, पी डिस्टेंस पे हमेशा रह रहा है, कहाँ से, ओरिजिन से, ठीक है, एंड मीट द एक्सिस एबीसी। इस बार भी क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स वाई जेड को एबीसी पॉइंट पे मीट कर रहा है, सो दैट द लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन ओएबीसी इज इतना। इस बार हमको टेट्राहेड्रॉन की बात करना है, ठीक है, तो देखो लोकस का मतलब क्लियर है, क्लियर है, बस क्या करो टेट्राहेड्रॉन का मतलब समझ लो, ठीक है। तो देखो टेट्राहेड्रॉन का मतलब क्या होता है, पहले उसका फिगर बनाते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से मिला दो, ये हो गया इस ट्रेंगल, सपोज कर लो ओ है, ए है, बी है, ठीक है, ट्रेंगल ओ ए बी का सेंट्रॉइड ये जी हो गया, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से इसको मिलाओ, यहाँ से इसको मिला दो, और क्या करो इस, एक सेकेंड, ये जो ऊपर का पॉइंट है यहाँ से इस सेंट्रॉइड पे एक पॉइंट लाइन गया हो, ठीक है, इसको बोल दो कोई पॉइंट सी बोल दो। तो देखो ये जो आपका ओ ए बी है ये क्या है, प्लेन के अंदर है, ठीक है, एक प्लेन के अंदर है, और ये जो सी पॉइंट है उठा हुआ है, टेट्राहेड्रॉन का फिगर देखिए हो ना केमिस्ट्री में, टेट्राहेड्रल शेप एकदम वैसे ही है, ठीक है, उस वैसे होता है टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो देखो टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, वो जब हम क्या करेंगे इस सी पॉइंट से इस जी पॉइंट पे जो लाइन गिराएंगे, इस लाइन के ऊपर, कौन से लाइन, सी जी लाइन के ऊपर कोई एक पॉइंट होता है जो क्या सी जी लाइन को इंटरनली 3:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। सेंट्राइड ऑफ टेट्रा सेंट्राइड ऑफ ट्रेंगल क्या था, वो इस ट्रेंगल ए ओ ए बी के अंदर, ये जो हमने ओ, इसको कोई पॉइंट पॉइंट बोल दो डी, कोई पॉइंट जो ओ डी था, सॉरी वो जो लाइन ओ डी था उसको इंटरनली 2:1 की रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट क्या था, सेंट्राइड ऑफ ट्रेंगल था। सेंट्राइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन क्या है, हमने ट्रेंगल बना दिया, फिर क्या किया 3D शेप बना टेट्राहेड्रॉन का, फिर क्या किया कोई सी पॉइंट से इस जी पॉइंट पे परपेंडिकुलर गिराया, ठीक है, तो इसके अंदर कोई एक पॉइंट, इसको कोई पॉइंट यक्स बोल दो, यक्स पॉइंट क्या हुआ सेंट्राइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, जो क्या इस सी जी लाइन को इंटरनली 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो देखो अगर हम ए का कोऑर्डिनेट ए वन और क्या बी वन सी वन बोल दें, और बी का कोऑर्डिनेट ए टू बी टू सी टू बोल दें, सी का कोऑर्डिनेट ए थ्री बी थ्री सी थ्री बोल दें, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट 0:0:0 ही है, तो आपका जो सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल है जिसको हमने यक्स से डिनोट किया है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस इसका यक्स का कोऑर्डिनेट 0/4 कॉमा बी वन प्लस बी टू प्लस बी थ्री प्लस बी फोर 4/4, ठीक है, कॉमा फिर क्या सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री प्लस 0/4 के बराबर हुआ, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इस बार इसी सेंट्राइड ऑफ ट्रेंगल जो हमने एक्स पॉइंट बोला उसके लोकस की बात करनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो वही से होगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी इन इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब क्या एक्स बाई ए इक्वल टू वाई बाई सॉरी प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1 से, ठीक है। फिर क्या बोला, इस बार डिस्टेंस कितना है, पी पी के बराबर हमेशा है, ठीक है। तो इस बार डिस्टेंस पहले निकालते हैं, तो देखो ओरिजिन से बात करेगा डिस्टेंस कितना है पी के बराबर, तो ये किसके बराबर होगा, डी, मतलब क्या 1/√a² मतलब क्या 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c², ठीक है। फिर क्या करोगे, स्क्वायर करोगे और इसको पलट देंगे जो हमने जैसा पिछले में किया था, तो हमको क्या मिल जाएगा 1/p² = 1/a² प्लस 1/b² प्लस 1/c² मिल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो हमको क्या मिला, अगर हम बात करें सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन जो हमने एक्स पॉइंट बोला है, इसको इसका कोऑर्डिनेट कुछ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड बोल दो, ठीक है, एक्स कॉमा एक्स वाई जेड तो यहाँ पे भी है, ठीक है, तो इसको कुछ एक्स वन वाई वन जेड वन बोल दो, ठीक है, एक्स वन वाई वन जेड वन। देखो जो हमने पिछला क्वेश्चन भी सॉल्व किया था ना, उसमें भी हमने एक्स वाई जेड लिया था ना, तो उसको क्या कर देना, एक्स वन वाई वन जेड वन बना देना, कि मान लेते हैं कि जो आपका सेंट्रॉइड ऑफ ट्रेंगल है जिसको हमने जी से डिनोट किया था उसका कोऑर्डिनेट एक्स वन वाई वन जेड वन है, फिर क्या करना पूरा सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, हर जगह एक्स वन के पावर -2 प्लस वाई वन के पावर -2 प्लस जेड वन के पावर -2 मिलेगा, इक्वल टू पी के पावर -2 मिलेगा। तो वहां से आप बोल देना कि जो आपका
हमने माना था कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल x1 y1 z1 है, तो उसका लोकस क्या मिल गया हमको, वो मिल गया ठीक है, और उसी की वो बात कर रहा था, और उसने क्या किया था x y z के फॉर्म में दिया हुआ था ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही ये भी होगा ठीक है। तो मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट कुछ x1 y1 z1 है ठीक है, तो ये x1 किसके बराबर होगा आपका, अगर x1 की बात करें तो वो क्या a1 + a2 + a3 + 0/4 ठीक है। तो हम बात करते हैं इन सब के बारे में, तो देखो उसने क्या किया हुआ है, ये जो x y z एक्सिस है उसको ए बी सी पॉइंट पे कट किया हुआ है ठीक है। तो देखो हम बात करते हैं x y z एक्सिस के बारे में, तो ये बना दिया x y एक्सिस बोल दो, और क्या इसको y एक्सिस बोल दो, एक सेकेंड रुको थोड़ा सा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस ठीक है, ये ओरिजिन है आपका। सपोज कर लो इस बार हमने क्या किया, ओ ए बी सी सबको लिया, ओ ए बी सी सबको लिया, तो हमको टेट्राहेड्रॉन मिल गया ठीक है, ये ए पॉइंट पे, ये बी पॉइंट पे, ये सी पॉइंट पे कट किया, तो ये का कोऑर्डिनेट क्या हुआ, ए पॉइंट पे आपका वाई और जेड जीरो होंगे, मतलब ए का कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो ही होने वाला है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा बी कॉमा जीरो होने वाला है, मतलब हमने मान लिया कि ये डिस्टेंस स्मॉल बी के बराबर है, ये डिस्टेंस स्मॉल ए के बराबर है, ये डिस्टेंस ओ से कैपिटल सी तक स्मॉल सी के बराबर है, तो इसका कोऑर्डिनेट जीरो कॉमा जीरो कॉमा सी हो जाएगा ठीक है। तो देखो यहाँ पे बात करें हम, हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ए वन का वैल्यू कितना है, ए के बराबर है, ए टू का वैल्यू कितना है, जीरो, ए थ्री का वैल्यू वो भी जीरो, और ओरिजिन का को एक्स का कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा ही होगा, मतलब हमको क्या मिलेगा, सिंपली ए बाई फोर मिलेगा। ऐसे ही हम वाई वन की बात करें, तो वाई वन का वैल्यू मतलब जीरो प्लस बी प्लस जीरो प्लस जीरो, मतलब क्या हमको वो बी बाई फोर मिलेगा। और वैसे अगर जेड वन की बात करें, तो उसका कोऑर्डिनेट हमको क्या मिलेगा, जेड वन की बात करो तो इसका कोऑर्डिनेट प्लस प्लस और जीरो, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट मतलब क्या सी बाई फोर मिलेगा ठीक है। तो अब क्या करो अपने इस इक्वेशन में, एक्स वन सॉरी यहाँ से एबीसी का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करो ठीक है, तो नीचे थोड़ा सा कट गया है ठीक है, तो फिगर रफ कर देते हैं ठीक है, तो फिगर का काम कंप्लीट हो गया है, यहीं पे करते हैं। तो देखो यहाँ से क्या मिलेगा, ए का वैल्यू 4x1, बी का वैल्यू 4y1, सी का वैल्यू 4z1 के बराबर मिलेगा ठीक है। तो क्या करो यहाँ पे पुट करो, तो कितना मिलेगा, 1/p² इज इक्वल टू 1/a² के जगह 4x1 का स्क्वायर प्लस 1/b की बात करें तो b की जगह क्या मिलेगा, 4y1 का होल स्क्वायर प्लस c की बात करें तो 4z1 का होल स्क्वायर मिलेगा ठीक है। तो कितना मिल जाएगा, ये 1/p² इक्वल टू 1/ यहाँ पे 4 16 मिलेगा, यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16 मिलेगा, तो 1/16 को बाहर कर लो ठीक है, 1/16 को कॉमन करके हर जगह से बाहर कर लो, कि मिल क्या मिल जा रहा है, x1 का स्क्वायर प्लस 1/y1 का स्क्वायर प्लस 1/z1 का स्क्वायर ठीक है। क्या करो 16 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। अब क्या करो, बस सभी पावर को ऊपर ले जाओ ठीक है, सभी पावर वाले टर्म को ऊपर ले जाओ, तो कितना मिलेगा, 16b2p-2 इज इक्वल टू x1 के पावर -2 प्लस y1 के पावर -2 प्लस z1 के पावर -2 मिल जाएगा ठीक है, इतना हो गया। तो देखो ये जो हमने x1 y1 z1 बोला वो क्या बोला, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन बोला, और वो रियलिटी में है क्या, उसने क्या किया है x y z के फॉर्म में दिया हुआ है ठीक है। तो क्वेश्चन वाले ने x y z बोला था, लेकिन x y z यहीं पे, इसलिए हमने क्या किया x1 y1 z1 बोल दिया, तो हम क्या करेंगे लास्ट में लिख देंगे ठीक है, इसको नोट कर लो पहले नीचे का, हेंस द लोकस ऑफ हेंस हेंस द लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन इज कितना, x^-2 प्लस y^-2 प्लस z^-2 इक्वल टू 16 p^2 ठीक है।